अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ अपने छोटे छोटे काम करने, बैंकों के काम हैं, कुछ बाज़ार के काम हैं, बहुत ज़रूरी काम है। तो हवा कितनी तेज़ है, मैंने सोचा चलें आज आपको भी अपने साथ ले चलूँ। आज छुट्टी थी, सो उस छुट्टी को यूज़ करते हैं। और वैसे बाज़ार जाते हुए अगर कोई मैचिंग कपड़े पहने तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा देखे तो सही। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई बाजार जाते हुए अगर आप कोई मैचिंग कपड़े पहने, ढंग के कपड़े पहने, तो कोई बुराई नहीं है। आप देखिए ऐनक से लेकर सब पाकिस्तानी है, कुछ भी ब्रांडेड नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है जो किसी अंग्रेज के पुत्र का नाम हो। किस चीज की कमी है मान से पाकिस्तान में? ये कुर्ता लिया एक दुकान से, एक बड़ा अच्छा वो ब्रांड है, और देखा तो वही चप्पल कमजोरी है। ऊपर से दो चार ब्रांडेड पहन के रखी हुई है, कहीं 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 किसी जगह गई। मैं तो बाहर से भी नहीं लेती, तो क्या बुराई है भाई, किसी में कोई कमी है? किसी माई के लाल में ताकत है जो मुझे पकड़ ले के मैंने ब्रांडेड नहीं पहनी हुई। खैर, आज मुझे काम बहुत अच्छा। दूसरे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ, आप भी घर से निकले तो नोट्स बना लें कि आपने क्या क्या करना है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती बाजारों में और मुझे मतलब काम भूल जाते हैं। तो मैंने ये देखे कागज़ लिख के रखा हुआ है, मुझे जाना है बैंक, बैंक से अपनी चेकबुक लेनी है, फिर कार्ड एक्टिवेट कराना है, मैंने नया अकाउंट खोला पिछला बंद कर दिया, फिर मुझे शीशे की बोतलें लेनी है, एक बड़ा अच्छा स्टोर है जहाँ से मैंने पहले दो ली थी, अब मुझे मज़ा आ गया, मैं सारी प्लास्टिक की बोतलें फेंक रही हूँ, तो मुझे और बोतलें लेनी है। फिर मुझे वो लेना हावन दस्ता है ना, क्या कहते हैं, दौरी डंडा ऊँडी वट्टा पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी जिससे आपको मैंने बताया था कितना खूबसूरत था जिससे मैं बना ली थी। बेलन भी लेना है मैंने, तो वो एक ही दुकान है जहाँ से ये चार चीज़ें मिली। फिर मेरी प्यारी बद्दू आई है बदर की और जान की टिकड़ी, और शाम को उनसे मिलना था, उनके लिए प्यारा सा स्वीट भी लेना है। अच्छा, फिर मैंने वैसे तो एक और चीज़ लिखी थी जो कि मैं सॉरी टू से लाई, पर इतना टाइम नहीं है, रात को 3:30 बजे आई शूटिंग से, बगैर सहरी का रोज़ा रखा है सॉरी, क्योंकि वहाँ पे कुछ बल्लम वल्लम थोड़ा सा खा लिया था, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि 3:30 बजे सो के फिर उठती, अल्लाह ताला माफ़ करे, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर इसलिए अब सिर्फ 2 बजे तक बैंक है, उसके बाद फिर मैं ये वाले काम करती हूँ, वापस आऊँगी। फिर हमारी ज़ारा की बेटी हुई है माशाल्लाह, और फिर अब हम सब लोग इससे खेलते हैं, उसका खेलने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत देर में हमारी फैमिली में खरीद दिया है। सो चलते फिर, अब हम निकलते हैं, ज़रा कहाँ कहाँ जाते हैं। ये देखिए मैंने कितना प्यारा उनके लिए लिया, एक बहुत ही क्लासी सा 2-पीस है। भई अब वो चूँकि कैनेडा में रहती हैं तो लिहाजा ये इस तरह के कपड़े उनके काम आते हैं, और मैंने अपने लिए लिया ये शर्ट। हाय, किसी के लिए कुछ लेने जाऊँ, शिचोर अपना इतना है कि दो चीज़ें अपनी उठा लेती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ ही करे, बस मतलब किसी का तोहफा लेना मुसीबत हो जाता है मेरे लिए। हाँ नहीं भला मेरा सानी जी, तो ये मज़ा तो बहुत है। ईमान से पाकिस्तानी कपड़े देख के बंदे को उतनी खुशी होती है, और मैंने घोड़ी आती ही इतना कम होती जैकेट है, अब मैं इनका नाम नहीं ले रही, मैं इनकी पोर्शन में कर रही हूँ, और मैं इसमें अपना दिखा रही हूँ सिर्फ के क्या मज़े मज़े की चीज़ें, और प्योर कॉटन है। आए कितना प्यारा है, सिर्फ सलीव लेस है, वरना मैं क्या करूँ। देखिए तो कितने दिनों बाद में बता रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है, छोटे छोटे जिसके कितने प्यारे हैं ना, मेरे पास बड़े बड़े पियरिंग थे, मुझे लोग गिफ्ट में भेजते हैं, लेकिन मैं कभी खाना छोटे वाले भी उसको पहनने चाहिए, तो मैं देखिए कितने चाहिए मुकम्मल कर अच्छा जी, गल्फ मार्केट से मैंने मजे की छोटी छोटी चीजियाँ ली हैं, शॉपिंग की है, और बहुत ईमान से मजे की मुन्नी मुन्नी ज्वेलरी मिलती है, और मतलब देखा जाए तो इतनी महंगी नहीं। मैंने एक दिन मॉल में ऐसे देखी, क्योंकि मैं जहाँ गई हुई थी मैंने कहा चलो उठा लूँ, वो इतनी सी झुमकियाँ पता नहीं 1500 की थी, तो 300 की मिल गई। अगर आप चेक करें ये चूड़ियाँ ब्रॉन्ज हैं, ये स्टील ग्रे, उसके अलावा ग्रे चूड़ियाँ कितनी यूनिक है देखे ना,
और ये देखें ये सब, ये रेड जो मैंने बशीर की बीवी के लिए भी लिया है, और ये तो मुझे इतनी पसंद है मल्टी कलर। मैंने कहा भाई तुम्हें अल्लाह खौफ नहीं, तुम लोगों के दिल से खेलते हो, तो हंसरा कह रहे क्यों, मैं कहा इतनी अच्छी चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत है कि जिससे इंसान का दिल हौल जाए है और आके इंसान जो है वो अपना खानदानी वकार खो दे। ये ग्रे कितना प्यारा रंग है ना, और सब मेटल है जी, ये टूटने वाला नहीं है, मेटल है। और ये पिंक मेरे पास एक वेलवेट की थी, वो पता नहीं पड़े पड़े फेड हो गई, फिर मरून नहीं थी मेरे पास। अल्लाह जानता है कि चूड़ियाँ देख के तो मैं कांपने लग जाती हूँ। ये गोल्डन मैंने बशीर की बीवी के लिए लिया है, और रेड भी बही ली है, भाई हमारी बहू लगती है ना तो उसके लिए तो लेनी है चीज़ें। तो बस अब हम जा रहे हैं बर्तनों की दुकान पे, ठीक है फिर वहाँ मिली। तो जब एक जगह पे आते हैं और सब कुछ मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। मैंने लेना है शीशे की बॉटल, जो मैं यहाँ से पहले भी लेके गई हूँ, एंड आई थिंक हम सबको प्लास्टिक फेंक देना चाहिए और शीशे की बोतलें इस्तेमाल करनी चाहिए। शीशे की बोतलें क्या है, छोटी ले लिया हम सब, इसके ऊपर है ढकना है, इसके ऊपर ये ढकने से नहीं है, कितने की है, ये बढ़िया 690। अच्छा तो ये वाली दे दें, चार दे दें, ठीक है। और कोई वैरायटी इसमें नहीं, नहीं छोटी है, छोटी भी छोटी नहीं कि कोई डेढ़ ग्लास में है, ये इसमें थोड़े पानी है ना, ये बेहतर है। हाँ ठीक है, ये दे दें। और मैं आज आपके यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, देखें कितने मजे मजे की चीज़ें हैं। इधर आ जाओ, काम करेगा ना इसमें, कितने काम करेंगे है? ये नहीं कम कर सकते, ये तो ओनर्स नहीं है ना, ये लकड़ी का नहीं होता आपके पास, लकड़ी का भी होता है। मुझे वैसे लकड़ी का प्रेफर करते, मेरे एक दफ़ा जो फेंका था ना मुझे याद है, बस स्टील का था, समंदर पे इसको भी जंग लग गया, तो मुझे लगता है लकड़ी का ही लेंगे सस्ते के अलावा। अच्छा और बेलन, ये आपके यहाँ की जो मैं चमचे ले गई थी ना, मैंने एक दिन कुछ फ्राई किया वो गल गया साथ ही, इतने बकवास के सोया। ये हाँ, ये मतलब मैं यहाँ से लेके गई हूँ और साथ ही हलवाई हो गया ना उसके, मैंने कहा कि अच्छा इससे छोटा नहीं ले लो, अरे ये बेहतर चलो ये ले लेते हैं, बस ये बेलन ही सही है, तुम्हारी पटाई करने के लिए। अच्छा जी, तो पतलियाँ तो मैंने ले ली थी, डबल पेने वाली का आप चलिए, मैं आती हूँ। और तो भी हमने कुछ लिया, कटिंग बोर्ड भी हमने ले लिया था बड़ा अच्छे, दोरी डंडा सस्ता होगा, ये भी वैसे सस्ता होगा लेकिन मुझे बेलना से घबराहट हो रही थी, नाक कट गई दुनिया में। चलिए फिर मिलते हैं। तो जी हमारा आज का शॉपिंग का काम खत्म हो गया, क्या चुन्नी मुन्नी चीज़ें लेनी थी, पैसे लग गए इतने सारे, बस चूड़ियाँ उड़ियाँ लेनी थी, बैंक का काम करना था, फिर वो ग्लास बॉटल्स लेनी थी, फिर वो कपड़े लेने थे, सब काम ज़रूरी थे, बस ऐसा नहीं है कि मैं वेस्ट कर रही थी। छोटी छोटी मुझे झुमकियाँ चाहिए होती हैं कभी ड्रामों के लिए, कभी शूटिंग के लिए, बड़े बड़े बुंदे तो पड़े हैं तो वो तो बुंदे ज़ाहिर है हर सीन में नहीं पहन सकते, तो ऐसे ही मुझे मज़ा आ गया छोटी 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 चीज़ें जमा करके। सो आई होप आपने मेरे साथ इंजॉय किया मेरी शॉपिंग करने, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।